नमस्कार, एसबीएन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना भीरा क्षेत्र में मोहर्रम को देखते हुए एसपी के आदेशानुसार थाना भीरा के एसएचओ भरत कुमार गौतम ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें क्षेत्र के कई गाँव के प्रधान उपस्थित रहे। वहीं भीरा इंस्पेक्टर भरत कुमार गौतम ने उपस्थित लोगों से अपील की कि सभी लोग आने वाले त्यौहार को शांति व सौहार्द के साथ हंसी खुशी से मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई इसमें बाधक बनता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां एक ओर योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यालयों के जिम्मेदार लोग इस पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय सिद्धार्थनगर में बच्चों से स्कूल टाइम में काम कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों द्वारा बच्चों को काम करने के लिए कहा जाता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह शिक्षिका खड़ी होकर बच्चों के कार्य का मुआयना करती नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी जिले की गोला तहसील कोकारनाथ के विकासखंड कुंभी गोला की ग्राम पंचायत मोहब्दाबाद में लोगों ने तालाब पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस तालाब की वजह से उन्हें काफ़ी मदद मिल जाती थी, लेकिन इस अवैध कब्जे के बाद लोगों का वहां से गुजरना भी दूभर हो गया है। राजस्थान के हिंडौन सिटी में आम जनता की प्यास बुझाने को लेकर राज्य सरकार की बहुआयामी शहरी पेयजल योजना करोड़ों के बजट के बावजूद धरातल स्तर पर दम तोड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जगह जगह शहर में बिछाई गई पाइपलाइन पहली ही सप्लाई में अपना घटिया होने का सबूत दे रही हैं, जहां नई पाइपलाइनों से हजारों लीटर पानी पहले ही सप्लाई में सड़कों पर व्यर्थ बह चुका है। वहीं प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने समय से चली आ रही पेयजल समस्या को दूर करने के लिए 57 करोड़ रुपए की शहरी पेयजल योजना को मंजूरी दी थी। साथ ही आम जनता की ओर से की जाने वाली शिकायतों पर भी जलदाय विभाग के अधिकारी ना तो ध्यान दे रहे हैं और ना ही संबंधित संवेदक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 12 के रहने वाले महेश की 16 वर्षीय पुत्री ने छत के कुंडे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि अगले ही सुबह जब पुत्री अपने कमरे से नहीं निकली तो उसकी मां ने देखा कि उसकी पुत्री ने बंद कमरे में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए एसबीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।